हाँ अभी इसमें ठीक है, दो अंकल का फोन ले। बी श्याम सुंदर ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ 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 ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬೆಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬೆಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ। एक मिनट आइए, ये अपने को हो गया आई बार बार हां जी शुक्रिया सर। संचारी परिवार का हां बाबा इधर आ जाओ बेटा, इधर परिवार का माने दिखो सर, इधर आ जाओ आप जी, आप अंदर आ जाइए, अंदर परिवार का कड़े कड़े ಎಲ್ಲೋ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು, हां ಗಲ್ಲಿದೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು। गीत के माध्यम से एक कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथियों से विनती है कि वो उठकर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गीत को सम्मान दें। एक राज्य गीत है, एक राष्ट्रीय गीत है, कन्नड़ा फर्स्ट कन्नड़ा। सम्मान देना है बी श्याम सुंदर जी का 112वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने बी श्याम सुंदर साहब के जो साथी रहे उन लोगों का सम्मान कार्यक्रम और मूल भारती भीम अवार्ड और जो बी श्याम सुंदर जी का किताब है उसका विमोचन का कार्यक्रम आज जयंती के उपलक्ष्य में रखा है। साथी जो मैं कार्यक्रम के बारे में जानकारी दूं, ये कार्यक्रम 2 सत्र के अंदर हम चला रहे हैं, सुबह का एक सत्र और दोपहर का एक सत्र। ये कार्यक्रम सुबह का जो सत्र है, ये सत्र का उद्घाटन अभी जिनके हाथों से हुआ वो नरसिंहरा साहब जो बी श्याम सुंदर जी के भांजे हैं, उनके हाथों से अभी भी ये कार्यक्रम हुआ। तो इस कार्यक्रम में जो सुबह का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे वक्तागण हैं जो आपको संबोधित करने जा रहे हैं बी श्याम सुंदर जी के बारे में। ये कार्यक्रम हम एक सब्जेक्ट के ऊपर चला रहे हैं और सब्जेक्ट अध्यक्षता कर रहे तारा राम मीणा साहब राजस्थान से आए हैं और इस कार्यक्रम के अंदर किताब का विमोचन होगा, कैलेंडर का विमोचन होगा। फिर जो बी श्याम सुंदर के साथी थे उनके विचार के जो प्रचार प्रसार रहे या उनके विचार से जुड़ा रहे ऐसे लोगों का सम्मान भी होगा। तो फिर बाद में जो दोपहर का सत्र है उस सत्र के अंदर भी हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ता उसमें हैं और उस दोपहर का सत्र का कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे माननीय डीडी बोरधर साहब जो पीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दोपहर का सत्र का अध्यक्षता करेंगे। मैं बीवर वासी और तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटक के जो डेलीगेट साथी हैं उन साथियों से विनती करता हूं कि आपको संबोधित करने के लिए ये राजस्थान से तारा राम मीणा साहब आए, ये जयंती का कार्यक्रम नहीं है, फुले अंबेडकरी आंदोलन का उस कार्यक्रम का जो आंदोलन का समीक्षा था उस समीक्षा को लेकर हमने डिबेट रखा है, केवल मात्र जयंती का कार्यक्रम नहीं है। तो जो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का क्या नतीजा है इसके बारे में आज आपके सामने दो सत्र के अंदर बोलने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं जो बाहर बैठे हुए हैं, आज बहुत सारे प्रोग्राम बिगड़ में है, सारे लोग आएंगे, तो मैं सभी साथियों से विनती करता हूं कि भोजन का व्यवस्था दोपहर के अंदर किया हुआ है, तो आप भोजन का जो कार्यक्रम होने के बाद तुरंत इस कार्यक्रम के अंदर आके बैठ के जो दूसरा सत्र है उसका भी कार्यक्रम आप सुने। तो मैं आयोजन से विनती करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम चलाते हैं। किशन राव दिने सर है बी श्याम सुंदर साहब जिस समय में मद्रास पस्ता को स्कूल खोले थे उस स्कूल के अंदर उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने उर्दू माध्यम से पढ़ाई की थे, तो उर्दू एक्सपर्ट थे, तो उर्दू से उन्होंने कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है। तो मैं कृपया नरसिंहरा साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं तारा राम मीणा इनसे विनती करता हूं उस किताब का विमोचन करके दे। ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಅವ್ರು ಲೂಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇದ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ साथियों। इसके बाद जो बी श्याम सुंदर के जीवन संघर्ष के माध्यम से वरुण कुमार साहब कैलेंडर का प्रिंट करके दिए है, तो मैं दादा साहब कांशीराम के भांजे प्रभजीत से विनती करता हूं कि वो कैलेंडर का विमोचन करके दें। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वीटी कामले सर है, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो कॉफी डेयरी का विमोचन करें। देश में जो मानव मुक्ति के लिए काम किए महापुरुषों को वंदन करते हुए प्रास्ताविक के तौर पर दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। साथियों, बी श्याम सुंदर जी का 112वीं जयंती हम लोगों ने मनाने का तय किया, तो इस कार्यक्रम पे मंच का नाम हम लोगों ने यश श्रेष्ठकर का नाम दिए है। यश श्रेष्ठकर वो आंदोलन के साथी थे कि बी श्याम सुंदर जी के जितने भी लिटरेचर था उन्होंने कलेक्ट करके रखा था और एक लिटरेचर वरुण कुमार साहब, मक्सू साहब, इन्होंने उस लिटरेचर को बाहर निकाला है। तो हमने एक्स रेसर को सम्मान के लिए हमने इस मंच का नाम एक्स रेस कर दिया है। साथियों, हम ये जयंती इसलिए कर रहे हैं कि जयंती करने के लिए हमने जयंती नहीं कर रहे हैं कि जो फुले अंबेडकरी आंदोलन इस देश में चला, तो उस आंदोलन के समीक्षा करने के लिए हमने एक कार्यक्रम लगाया है। तो पहली बार बी श्याम सुंदर साहब का जो कर्मभूमि रहा बीदर, तो बी श्याम सुंदर साहब का जो कर्मभूमि रहा, यहां पे बी श्याम सुंदर का प्रभाव रहा, तो आज भी वो बहुत सारे साथी बी श्याम सुंदर के देखे हैं, जो देखे सो है आज भी है। तो हर साल बी श्याम सुंदर जी के नगर में वो लोग जयंती करते थे। हमने पहली बार ये रंग मंदिर में कार्यक्रम लेने का निर्णय इसलिए किया कि जो बी श्याम सुंदर का कारवा था वो केवल मात्र बीवर के लिए नहीं था, या हैदराबाद कर्नाटक के लिए नहीं था, या तेलंगाना के लिए नहीं था। उनका जो आंदोलन उनके साहित्य से पढ़ने को मिलता है कि उनका जो साहित्य रहा वो पूरे भारत के मानव मुक्ति के लिए है। जब हमको ये पता चला कि बी श्याम सुंदर का लिटरेचर हमारे उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारा रिकॉर्ड करके रखा, तो उस लिटरेचर को बाहर लाने के लिए और ये जो उनका सिद्धांत है, उनका विचारधारा है, वो राष्ट्रव्यापी मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने कार्यक्रम रखा है। तो साथियों, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके परिवार के साथी आज हमारे बीच में हैं। बी श्याम सुंदर जी के भांजे नरसिंहरा आज हमारे बीच में हैं। माननीय दादा साहब कांशीराम जी के भांजे प्रभजीत जी हमारे बीच में हैं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे साहित्य के माध्यम से हमारे लोगों को जगाने का काम किए, वो भी सेकेंड दूसरे दोपहर के सत्र में रहेंगे। विलास साटे जी वो भी है। तो साथियों, हम उन महापुरुषों के परिवार को हम सम्मान करते हैं। साथ ही कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है हमारा कि बी श्याम सुंदर जी का विचारधारा पूरे देश के अंदर फैलना चाहिए, इसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि जो फुले अंबेडकरी आंदोलन, उसका जो आंदोलन इस देश में चला, तो उसका आंदोलन का समीक्षा भी होना चाहिए। जो लोग देश के अंदर फुले अंबेडकरी आंदोलन को गति देने के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में से तारा राम मीणा साहब है, जिन्होंने शायद नौकरी भी छोड़कर ये काम कर रहे हैं। तो बी श्याम सुंदर जी का विचारधारा और तारा राम मीणा साहब का विचारधारा, जो काम वो कर रहे हैं, वो काम बी श्याम सुंदर साहब डेक्कन एरिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंट किए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बी श्याम सुंदर जी के जयंती के अवसर पर उनको बुलाया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे लोगों को संदेश दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का अध्यक्षता, सुबह का सत्र का अध्यक्षता ताराराम मीणा साहब को दिए, और हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर जो सब्जेक्ट लिखा है, वो सब्जेक्ट रहा है हमारा कि बी श्याम सुंदर दलित आंदोलन के नेता थे या मूल भारती आंदोलन के नेता थे, एक गंभीर मंथन। दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों ने लगाया है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम में बी श्याम सुंदर जी का क्या भूमिका रही। ये दो सब्जेक्ट के ऊपर हमारे वक्ता लोग बोलेंगे। ये सत्र का जरा 1 घंटा लेट होकर चल रहा है, तो समय पर मैं वक्ता गणों से विनती करता हूं कि वो 5 या 10 मिनट में अपना वक्तव्य रखे और ताराराम साहब को ज्यादा समय दे, ताकि इस विषय पर बात कर सके। यह विषय साथियों हम लोगों ने इसलिए चुना कि जो साहित्य क्षेत्र में बी श्याम सुंदर को जो प्रोजेक्ट किया जाता है, तो दलित के नेता इस तरह से किया जाता है, लेकिन उनका जो लिटरेचर वरुण कुमार सर और ये जो छापे हैं, उनके लिटरेचर के अंदर दलित शब्द ही नहीं है। और जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, वो आंदोलन केवल दलितों का आंदोलन नहीं था, क्योंकि केवल मात्र उसमें दलित नहीं थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। और बिफोर इंडिपेंडेंट उन्होंने नांदेड़ के अंदर ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन बनाया था, ताकि जो माइनॉरिटी लोगों का समस्या है, वो दलितों का भी वही समस्या है, यानी कि अछूत लोगों का भी वही समस्या है। तो उन्होंने माइनॉरिटी को जोड़ने का काम किया, फिर बाद में शेड्यूल ट्राइब्स को जोड़ने का काम किया, और 1968 को लखनऊ के अंदर एक बड़ा सम्मेलन लिया। वो सम्मेलन का नाम था बैकवर्ड और माइनॉरिटी सम्मेलन था। तो बैकवर्ड लोगों को भी उन्होंने जोड़ने का काम किया। उस सम्मेलन का अध्यक्षता लखनऊ में जाकर बी श्याम सुंदर ने किया था, और उसका अध्यक्षता पेरियार साहब उसका चीफ गेस्ट थे। तो साथियों, मुझे कहने का इस सब्जेक्ट के बारे में यही है कि बी श्याम सुंदर साहब केवल मात्र दलितों के नेता नहीं थे, तो मूल भारतीय समाज के आंदोलन के नेता थे। दूसरा जो सब्जेक्ट हमारे बीच में है, हैदराबाद मुक्ति संग्राम में बी श्याम सुंदर साहब का क्या योगदान रहा या उनका क्या स्टैंड रहा। तो साथियों, हैदराबाद मुक्ति संग्राम के अंदर बी श्याम सुंदर साहब को एक विलन की तरह हम दुश्मनों ने इनको छापा गया है। जब बी श्याम सुंदर साहब यूएन में गए थे, वो हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि बनकर नहीं गए थे, ये मूल भारतीय समाज के प्रतिनिधि बनकर गए थे यूएनओ में, जिसका भारत देश में हमारे लोगों का मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो जब बी श्याम सुंदर साहब, जब पावर ट्रांसफर का समय आया था अंग्रेजों के माध्यम से इस देश को, तो बी श्याम सुंदर साहब ने यह कहा कि हजारों सालों से जो अन्याय अत्याचार हमको करते रहे, आप अंग्रेज लोग जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो 5000 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोग इस बिलिंग के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं। या तो हमको सेपरेट सेटलमेंट करो या सेपरेट इलेक्ट्रेट हमको दे दो जिसमें हमारे लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रहे। आप लोग मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे रहे हैं, हिंदुओं के लिए भारत दे रहे हैं, तो अछूते जो है हमारे देश के जो हजारों सालों से पीड़ित है उनके लिए सुरक्षा करो या इंडिपेंडेंट हैदराबाद रखो। इसीलिए साहब ने यूएनओ में गए थे। तो ये यूएनओ का जो बात है बाबा बी श्याम सुंदर साहब ये हैदराबाद के निजाम के ही प्रतिनिधि थे, तो ये समाज के शोषित समाज के जो आवाज है वो यूएनओ में रखने के लिए गए थे। ये दो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे वक्तागण आपके सामने बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये विषय बनाकर ये पहली बार हम विषय बनाकर ये चला रहे हैं कि ताकि बी श्याम सुंदर जी के सारे विचार जो है हमको मालूम हो जाए। तो सभी वक्तागणों से मैं विनती करता हूं कि वो शॉर्ट में अपना बात करें, क्योंकि दोपहर के सत्र में जो डीडी बोरधर साहब नागपुर से आ रहे हैं वो भी बहुत सारा विषय आपको बताने वाले हैं बी श्याम सुंदर जी के बारे में, आंदोलन के बारे में, फुले अंबेडकरी आंदोलन के बारे में। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं उनको, मैं तो इधर ही रहता हूं आपके बीच में, जो गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए हम तैयार हैं, हम करते रहेंगे, बीच में बात करते रहेंगे। लेकिन बी श्याम सुंदर जी का जयंती हर साल श्याम सुंदर नगर में होता था, वो करते थे, लेकिन देश भर में करने की जरूरत इसलिए है, मुझे डर भी लगता है ताकि बाबा साहब के जयंती के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा धन खर्चा होता है, लेकिन आंदोलन के बारे में उस जयंती के ऊपर जो खर्चा होता है उसका 10% भी अगर आंदोलन में हम खर्चा करते हैं तो आज हमारे सामने दुश्मनों से हम आजाद होते थे। लेकिन बी श्याम सुंदर साहब का जयंती ऐसा ना हो, बाबा साहब के जयंती का जैसा ना हो, फुले अंबेडकर आंदोलन का समीक्षा इस जयंती के अंदर हर साल होना चाहिए। फुले साहब ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन को बी श्याम सुंदर साहब ने आगे बढ़ाया था। मूल निवासी का जो सिद्धांत फुले साहब ने बताया था वही सिद्धांत डेमोक्रेसी में दुश्मनों अपने शब्दों को काउंटर ना करे, इसलिए बहुत सारा सोच समझ के उन्होंने मूल भारती का शब्द दिया था। तो उसको लेकर जो आज बात हो रहा है तो बी श्याम सुंदर का जयंती ऐसा ही बाबा साहब के जयंती के जैसा ना हो, जो फुले अंबेडकर आंदोलन का जो विचार है वो विचार का समीक्षा हर साल होना चाहिए, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो मुझे जो प्रास्ताविक के तौर पर हमारे आयोजक मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए सबको आभार, धन्यवाद। भारतीय भीम सेना के फाउंडर सदस्य रहे एक्स एमएलसी मारुति भीम वाले आपको संबोधित किया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि बी श्याम सुंदर जी का जो कारवा है उसको भारत देश पर राष्ट्रव्यापी करने के लिए भीम सेना को रिऑर्गेनाइज किया जाए। इसलिए मैं मणिराम साहब से जो हरियाणा से आए हैं मैं उनसे विनती करता हूं कि भारतीय भीम सेना को रिऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर हम मणिराम साहब को चॉइस कर रहे थे। वो मारुति भीम वाले उनको झंडा देकर इसका रिऑर्गेनाइज किया और इसका साथ हमारे अशोक मालगे सर है और सुनील ढोले सर एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर रहेंगे। इनको भीम सेना का ध्वज देकर इसको रिऑर्गेनाइज किया है देश राष्ट्रव्यापी के लिए। इसमें जो सिंबल लिया है भारतीय भीम सेना का वो 1928 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का सिंबल रहा है, उसको बाद में भारतीय भीम सेना के अंदर लिया। उसमें हल्का एक चित्र है और बाण का है और हथौड़े का चित्र है। ये जो ध्वज है ये ध्वज आज मणिराम साहब को देकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तौर पर उनको जयंती पार्टी के माध्यम से अपने एमएलसी मारुति डी माले उनका दोष देकर इसको रिवाइव कर रहे हैं। साहब का ये जो पहनावा है उन्होंने आज जयंती कमेटी को हमें दे रहे हैं, इसको आगे चलकर हम म्यूजियम में रखेंगे। जिनका जो भी साहित्य है उनका जो भी है उसको म्यूजियम में हम आगे रखेंगे। इसके बारे में बोलो, क्या बोलूंगा इसके बारे में पता है कोर्ट के बोलो। ये श्याम सुंदर साहब का कोर्ट है, ये इंग्लैंड में पहन ली थी 1948 में जब वो यौन हो गए थे, तो उस दिन से मैंने संभाल के रखा हूँ और इसको आज मैं कामरे साहब को जो है सौंप रहा हूँ ताकि ये अपने एग्जीबिशन में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बी श्याम सुंदर जी का परिवार आज हमारे बीच में आया, इस कार्यक्रम को सफल किया, तो उनका जो भी साहित्य हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। సమంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి।